जयराम सरकार जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना भी निश्चित है, जिन स्कीमों का उद्घाटन कर रहे हैं, ये सभी स्कीम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ने बजट इसके लिए रखा था। हम जयराम को दोष देते हैं, चुनाव विधानसभा के हिमाचल प्रदेश में नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होने जा रहे हैं। जयराम सरकार जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो आजादी के 75 साल का महत्व है उसके नाम पे कहते 50 करोड़ का प्रावधान रखा है, तो इस तरीके से ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए जयराम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये साबित हो रहा है। जयराम सरकार का इस चुनाव के बाद जाना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना भी निश्चित है, क्योंकि जयराम सरकार के वक्त में महंगाई आसमान छू रही है, गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हिमाचल प्रदेश में विकास के काम सारे ठप हो कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्टों का जिन स्कीमों का उद्घाटन कर रहे हैं ये सभी स्कीम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ने बजट इसके लिए रखा था और इस तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि 335 करोड़ का आपके चुनाव क्षेत्र में मैंने स्कीमें कर दी है, तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। और बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, बार बार कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को 5-6 बार हिमाचल प्रदेश में लाया। हम जयराम से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी आए, करोड़ों रुपये का खर्च हुआ, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी से क्या मांगा? हम प्रधानमंत्री को दोष नहीं देते, हम जयराम को दोष देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से एक नया पैसा नहीं मांगा, कोई पैकेज नहीं मांगा, एयरपोर्ट नहीं मांगा, कोई रेलवे लाइन को यहाँ तक पहुँचाने की बात नहीं की। तो जयराम जी, आप तो पूरी तरह से विफल रहे हैं प्रधानमंत्री से कुछ लाने के लिए। डबल इंजन की सरकार आपकी पूरी तरह फेल हो गई है। आपका विकास का इंजन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में, और मोदी जी का इंजन तो अब हाफ हो रहा है, 2024 में उसकी छुट्टी होने वाली है। तो इस तरीके से ये अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने चुनाव कंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने फैसला किया है कि सरकार को, जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करना है।